हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम से। शाम क्या मतलब, रात ही हो गई, अंधेरा हो गया है इस समय और टाइम हो रहा है 7:15। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में छोले। तो बस मैंने यहाँ प्याज और लहसुन को मैंने कोर लिया है, और प्याज टमाटर हरी मिर्च, बाकी छोले देखते हैं। अभी मैंने छोले पैक नहीं करे हैं, सोचा आज ब्लॉग की स्टार्टिंग रात से ही कर लेती हूँ। ब्लॉग तो बनाना है कोई मॉर्निंग से ना, तो रात से ही सही, तो इस वजह से मैं ना स्टार्टिंग अभी कर रही हूँ ब्लॉग की। और सिया और आदि टीवी देख रहे हैं, तो आदि को वैसे अंदर वाले कमरे में पढ़ाना है, तो वो बोल रहा है कि मैं बाबा से पढ़ूंगा, पापा जरा फोन में बात कर रहे हैं बाहर। तो जब पापा जाएंगे तो उसको अंदर जाना है पढ़ने के लिए, तो अंदर पढ़ेगा वो बैठ के। तब तक मैं सोची हूँ छोले छोक लेती हूँ, छोले और रोटी बना लूंगी, क्योंकि चावल हमने कल रात भी बनाए थे, तो खाली ना छोले बना लूंगी आज। तो चलो तैयारी कर लेते हैं छोलों की। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है।
रश अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है और ये है रात की वीडियो। तो इस समय मतलब खाना मेरा छोले वगैरह बन गए थे तो मम्मी की वीडियो कॉल आई थी क्योंकि मम्मी गई हैं वृंदावन। तो ये है शायद बरसाना की, मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ ना, इस वजह से मुझे पता नहीं है वहाँ के बारे में ज़्यादा। तो शायद ये वहीं की है। तो मम्मी से हो रही थी वीडियो कॉल पे बात। वीडियो कॉल पे मम्मी ना हमें दर्शन यहीं से करवा देती है क्योंकि मौसी वगैरह भी गए हुए हैं साथ में, तो मतलब चारों बहनें मिलके गई हुई हैं। तो ये बरसाना की है तो वीडियो कॉल पे ही आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताना ये कहाँ की है क्योंकि मैं अंदाजे से बता रही हूँ शायद बरसाना की है और मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं और मैं कभी गई भी नहीं हूँ। और जब भी बुलावा आएगा तभी हमारा जाना होगा वहाँ पे। और इस बार भी मन था मेरा, मैंने मम्मी से बोला था कि मेरा भी करवा दो लेकिन तब तक सीट फुल हो गई थी क्योंकि बस जाती है तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो मम्मी गई थी मौसियों के साथ। तो बस आप लोग को भी मैं दिखा रही थी ये वहीं की है। यहाँ छोले मेरे बन गए हैं। मैं सोची थोड़ा और गाढ़े हो जाते ना ये, क्योंकि मैंने इसमें चाय पत्ती का पानी ऐड किया तो उससे थोड़े से पतले हो गए हैं। तो इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं, उसके बाद इसमें धनिया ऐड करेंगे। और ना मैं इतने टाइम से फॉइल पेपर यूज़ कर रही थी तो फॉइल पेपर में भी रोटी चिपक जा रही थी। और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ऑनलाइन मंगाऊँ और यहाँ मिल नहीं रहता शॉप में, लेकिन कल मुझे ये शॉप में मिल गया और मैं ये लेके आई हूँ रैपिंग पेपर रोल। तो देखते हैं, आज मैंने आदि को भी ये दिया था और इसके पापा बताएंगे कि ये कैसा है, इसमें रोटी चिपकी नहीं चिपकी। और यह है किचन रोल फूड रैपिंग पेपर। किस में नहीं लिखा? लर्न इट थोड़ी होता है बेटा, रिपीट। जो मैम वर्क कराती है ना, मैम उसको बोलती है रिपीट, तो ये नहीं करना होगा। इसमें नहीं लिखा है, ये नहीं करना है। जाओ और ट्यूशन का भी कंप्लीट करो।